दोस्त कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच, T20 वर्ल्ड कप मैच हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कल मैच होगी, कल दो दो मैच है, तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। तो चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं, मैच टीम बनाते हैं। मैं डेमो टीम बना के लेकर आई हूँ, इससे आप अपने दिमाग लगा के अपना खुद का टीम बनाना, क्योंकि मैं उतनी जोशी नहीं हूँ जो मैं टीम बनाऊँ सही हो। तो मैं डेमो है, आप डेमो को देखकर आप अपना एक अच्छा सा परफेक्ट टीम बना सकते हो अपने जिम्मेदारी लेके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ दोनों के बीच में जो मैच होनी है, नहीं उसको मैं घेर घेर लगा दी हूँ, आपको दिख रहा होगा, सर्कल कर दी हूँ। अब चलिए यहाँ पे टच करती हूँ इसी को। जैसे इसको टच कर दिए, आपको दूसरे टीम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ऐड टीम। तो ऐड टीम को क्लिक करो, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोगो। तो यहाँ पे लोगो है दोनों टीम का। तो यहाँ पे बीच में क्रेडिट लेफ्ट भी दिए गए 100 की, और जस्ट नीचे में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर भी दिए हैं। 100 से ही 11 टीम हमको तैयार करनी है इसके अंदर ही रहते हुए, इसके बाहर जाना ही नहीं है। 100 के क्रेडिट के अंदर ही हमें टीम बनानी है, वो भी 11 टीम। तो क्रेडिट को देखते हुए टीम बनानी है। अगर मैं हूँ रेणुका डोरा दोस्तों, और आप देख रहे हैं रेणुका डोरा चैनल, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें, ताकि न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार, झकास और मज़ेदार होने वाली है टीम जो टीम में मैं लेकर आई हूँ। तो आप हमें लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप किए देखना पूरा वीडियो, और अपने फीडबैक बहुत ज़रूर देना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर देना। तो चलिए फिर इसके डिटेल्स के बारे बता दें कि ये गेम होने वाली है 26 ट्यूजडे को होने वाली है, और इंडियन टाइमिंग के अनुसार 3:30 PM को होगी, और यह खेली जाएगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। और इसकी पिच की बात की जाए तो पिच बहुत ही शानदार पिच है, और वेदर बिल्कुल भी साफ़ सुथरे हैं, यहाँ बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हिट टू हिट की बात करें दोस्तों, दोनों के बीच में 15 बार मैच हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका 9 बार विनर हुए हैं और वेस्ट इंडीज़ 6 बार विनर हुए हैं। तो गेम में हार जीत होती रहती है, तो देखिए फिर कौन जीतता है। तो चलिए फिर टीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो विकेट कीपर से, आप यहाँ पर राउंड करोगे तो यहाँ पे आपको सारे नाम विकेट कीपर में जो बनाना है यहाँ पर दिख जाएंगे, खिलाड़ी के नाम और क्रेडिट भी दिख जाएंगे आपको। तो चलिए फिर इसको करते हैं। तो विकेट कीपर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, क्यूटन डी कॉक को बनाती हूँ विकेट कीपर को। अब इसको नेक्स्ट करती हूँ बैट्समैन। तो बैट्समैन में मैं यहाँ पर लूँगी, देखिए बैट्समैन जैसे मैं वहाँ पर क्लिक की हूँ तो यहाँ पर सारे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, तो इससे चूज़ करनी है आपको। तो रसिए वंडर को लेती हूँ मैं, और एडिन मार्करम को लेती हूँ, इवेन लुइस को लेती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। तो ऑलराउंडर में मैं यहाँ पर लूँगी किरण पोलार्ड को लेती हूँ, दिवेने बरहो को लेती हूँ,
आंद्रे रसल को लेती हूँ। तो यहाँ पर भी आपको स्क्रॉल करेंगे तो टीम नज़र आएंगे, तो इसी टीम से हमें चूज़ करना है। तो मैं इसे चूज़ कर ली हूँ। अब आगे बढ़ते हैं बॉलर की तरफ। तो बॉलर मैं यहाँ पर लूँगी अकील होसिन को लेती हूँ, कसीबो राबदा को लेती हूँ, अनरिच नोटरीज को लेती हूँ और तबरीज शमसी को लेती हूँ। तो चलिए मेरा टीम बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट कर दी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की पेज। तो कैप्टन अगर अच्छा चूज़ करे, अच्छा प्रदर्शन करे तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और वाइस कैप्टन अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो 1.5 पॉइंट मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं, यहाँ खिलाड़ी का क्रिकेट का नाम दिए गए हैं, तो आपको चूज़ करके बनाना है। तो चलिए दोस्तों फिर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन में लूँगी क्विंटन डिक कुक को लेती हूँ, और वाइस कैप्टन में लूँगी कसीगो राबदा को लेती हूँ। तो मेरा बन के टीम रेडी है। मैं अब सेव कर देती हूँ। जैसे मैं सेव कर दी तो यहाँ पर टीम एडिट टीम्स आया, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दी और यहाँ पर जस्ट कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद मैं फिर यहाँ प्रीव्यू है, प्रीव्यू की तो देखिए जो टीम मैंने पसंद की थी तो यहाँ पर सारे टीम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कोई भी अगर खबर की ज़रूरत है अपडेट डेट की तो आप मेरे कम्युनिटी में चेक कर लेना, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का आईडी दी हूँ तो वहाँ से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम भी रेणुका अरोड़ा के नाम से है। तो चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।